चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। साथियों, इस सरकार ने उत्तर भारत के आर्थिक रीढ़ तोड़ने का कार्य किया है, लेकिन इन लोगों ने सबसे पहला प्रहार जय जवान पर किया। आज शामली जिले के युवा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपने इस आंदोलन की शुरुआत के लिए शामली जिले को चुना। इस क्षेत्र के और युवाओं की दिलों की धड़कन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी, वे सभी खापे चौधरीगण, वे सम्मानित मंच और देवतुल्य बुजुर्गों, वे भव्य भारत की भावी आशाओं, ये जो अग्निपथ की योजना अंधिकारी पहली सरकार लेकर आई है, ये हमारे उन युवाओं के लिए धोखा है, उस माँ के लिए मजाक है जो 3 बजे उठकर अपने उस बच्चे को कहती है, बेटा उठ जा, चल एक्सरसाइज करने चल, तुझे एक दिन इस देश की सुरक्षा में खड़ा होना है। साथियों, ये हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। साथियों, इस सरकार ने उत्तर भारत के आर्थिक रीढ़ तोड़ने का कार्य किया है। एक समय में नारा दिया जाता था और राष्ट्र हित में, देश हित में नारा दिया जाता था, जय जवान जय किसान, लेकिन इन लोगों ने सबसे पहला प्रहार जय जवान पर किया। वो तो आदरणीय नरेश टिकैत जी और आदरणीय राकेश टिकैत जी की मेहनत है, समर्पण है, और जो युवा दिलों की धड़कन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जो आपके बीच में बैठे हुए हैं, इनकी मेहनत है जो इन्होंने 50-50 रैलियां इस प्रदेश में कर किसान आंदोलन का जन जन का आंदोलन दिलाया था। साथियों, की तर्ज पर आदरणीय चौधरी जैन सिंह ने इस अग्निपथ के विरोध के आंदोलन को, इस युवा पंचायत को पढ़कर आज आगे बढ़ने का कार्य किया। मैं आप सभी से बल्कि गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज शामली जिले के युवा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपने इस आंदोलन की शुरुआत के लिए शामली जिले को चुना। साथियों, ये ऐसे पहले नेता इस देश और प्रदेश के अंदर, यदि हाथरस में कोई घटना घटती है, एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, तो उस घटना का विरोध करने वाले पहले नेता आदरणीय जैन चौधरी होते हैं। यदि लखीमपुर खीरी में नियुक्त किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का कार्य इस सरकार कराती है, तो उस घटना का विरोध करने वाले अकेले नेता आदरणीय जैन चौधरी होते हैं। यदि सारूपुर के अंदर निर्दोष लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने का कार्य यह सरकार करती है, तो उन निर्दोष लोगों को मल्लम देने के लिए आदरणीय जैन चौधरी का आदेश अपने विधायकों के लिए होता। साथियों, ऐसे ही इस अग्निपथ के विरोध में सबसे पहले किसान घाट पर ऐसा यौगिक तरीके से आधे घंटे का उपवास करने वाले और इस अंधी कानी बहरी सरकार को परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर संदेश देने के लिए कि ये सरकार कम से कम इन युवाओं के साथ खिलवाड़ न करे, ये सरकार कम से कम इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करे। मैं आज मंच से घोषणा करता हूँ और अपने अध्यक्ष जी के सामने घोषणा करता हूँ, अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, यदि अग्निपथ की योजना को वापिस लेते हैं तो मैं और अशरफ अपनी जिंदगी भर के लिए पेंशन छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उन अपने युवाओं को पेंशन चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय राष्ट्रीय लोकदल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सुखबीर कठिनाई से